एति जांजगीर चांपा जिला की खबर है, जहां के रहैया पर्वतारोही अमिता श्रीवासा लद्दाख श्रेणी के 6070 मीटर ऊंचा बर्फीला चोटी यूटी कांगरी चोटी के चढ़ाई पूरा करीन है। एकले पहली अमिता हा अफ्रीका महाद्वीप के सबले ऊंचा चोटी माउंट किली मंजारो में परचम लहराए रही से। अमिता हा अपन टीम ला लीड करीन और 14 जनवरी के पर्वत में चढ़ाई शुरू करे रही है और -31 डिग्री तापमान में 19 जनवरी के मिशन ला पूरा करीन है। अब अमिता के कहना हवा है की एवरेस्ट फतेह करे के सपना हवा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अमिता के उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला बाल विकास विभाग के मंत्री यहाँ अनिला भेड़िया घलो बधाई और शुभकामना दिन है। जिला लेके पर्वतारोही अमिता श्रीवास ले बात करी हमारे संवाददाता मुकेश सिंह बैसा। जांजगीर चांपा जिले के छोटे से जगह चांपा में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली की जो लड़की है बेटी है उससे यूटी कांगरी जैसे शिखर पर पता हासिल की है। आइए उनसे सीधे जानते हैं कि किस तरह की चुनौतीपूर्ण ये सफर रहा और क्या उनका लक्ष्य है। बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने राज्य का नाम ऊंचा करती हूँ या ऊंचाई में जाकर मैं गर्व नवा छत्तीसगढ़ का ऐसा संदेश देती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भी गर्व नवा छत्तीसगढ़ का संदेश दिया था। अभी जो मैं गई थी उसका नाम है यूटी कांगरी, जिसकी ऊंचाई थी 6070 मीटर, जहाँ -20 हमेशा से ही वहाँ का ठंड बहुत ज्यादा था। पिछले टाइम विंटर में भी किसी एक दल ने उसको फतह करने की कोशिश की थी जो असफल रहे थे, और इस बार भी भारत में हम लोगों ने जो हमारी टीम थी जिसको मैं लीड कर रही थी, पहली बार ऐसा मौका मिला जो जिस टीम को मैं लीड कर रही थी जिसमें पहले से दो एवरेस्ट विजेता थे उसको लीड करने का मौका मिला यूटी कांगरी में। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे लीड करने का मौका मिला। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रात को 11 बजे समिट पॉइंट से जब हम लोग समिट कैंप से आगे निकल रहे थे, तब मैंने हमेशा से पढ़ा था तो बड़ा वाला टुकड़ा से गिरना या अलग हो जाना अपने से, तो मैंने हमेशा से पढ़ा था लेकिन पहली बार देख के थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो दृश्य को बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ फैसला लेना भी बहुत ज्यादा परेशानी थी। लेकिन तभी फैसला लिया मैंने कि अपने समिट से सिर्फ 50 कदम की दूरी से हमें वापस आना पड़ा। दुखद तो लगा लेकिन असली पर्वतारोही वही है जो जिंदा वापस आ सके, इसीलिए ये ध्येय था कि हम सभी के सभी पूरे दल पूरा अच्छे से आ सके, इसीलिए समिट पॉइंट से सिर्फ 50 कदम दूरी से हमने बैक कर लिया। साफ तौर पर कहते हैं कि हौसलों से उड़ान होती है, जो अगर आपके मन में इच्छा शक्ति हो तो बड़ी बड़ी चुनौतियां पार की जा सकती है। यही वजह है कि इन्होंने इतनी ऊंची पहाड़ियों को फतह किया है और मन में केवल एवरेस्ट फतह करने की तमन्ना है जिसे लेकर आगे बढ़ रही है। मुकेश सिंह, आईएएस 24/7 जांजगीर चांपा।